तो देखिए आप लोग कनकेव कन्वेक्स लेंस ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस और कनकेव लेंस ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। तो देखिए आप लोग ये जो कनकेव लेंस है कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस में क्या होता है दो फोकस होता है एफ वन और एफ टू लेंस में दो फोकस होता है F1, F2 और इसको हम लोग 2F1 लिखते हैं और वी कैन राइट इज एस C1 ऑल्सो 2F2 और C2 तो इसको भी सेम 2F1 मीन्स C1 2F2 मीन्स C2। तो देखिए कन्वर्जिंग का मतलब ये रे ऑफ लाइट ये कन्वर्ज कर रहा है F2 का तरफ F2 से पास हो रहा है सो इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं। तो देखिए F2 तो उसका मेन फोकस कौन सा हुआ मेन फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस इज F2 द मेन फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस इज F2 दैट मीन्स कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होगा फोकल लेंथ होगा OF2। अभी OF2 कौन सा साइड पे देखिए O का कौन सा साइड पे राइट साइड पे है कि नहीं तो इसीलिए O पॉजिटिव होता है समझ में आया। और आप लोग देखिए ये जो रे पैरेलल जा रहा है वो आफ्टर रिफ्रेक्शन डाइवर्ज ऐसा हो रहा है तो देखिए इसका जो इसका भी दो फोकस था तो इसका तो ये फोकस में किसी भी हालत पे ये पास नहीं होगा तो हम लोग इसको एक्सटेंड कराएंगे ऐसे वी विल एक्सटेंड दिस वे तो इसका मेन फोकस हो गया F1 तो इसका फोकल लेंथ होगा OF1 तो ये कम्प्लीटली लेफ्ट साइड पे हो गया और ये कम्प्लीटली लेफ्ट साइड पे होने की वजह से ये हो गया नेगेटिव। तो आप लोग अभी इसको साइन कन्वेंशन के लिए बहुत ज़रूरी है राइट साइड देन पॉजिटिव लेफ्ट साइड देन नेगेटिव। तो सिंस ये जो कन्वेक्स मिरर होता है उसको कन्वर्जिंग लेंस कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं सो दिस लेंस को हम लोग प्रैक्टिकली उसको पेपर इग्नाइट या कोई बर्न करने के लिए कुछ बर्निंग या इग्नाइटिंग लाइक ड्राई लिप्स इग्नाइट करने के लिए कन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है इग्नाइटिंग बर्निंग ड्राई लिप्स और पेपर्स तो हम लोग ये कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं क्योंकि कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस तो अगर कनकेव लेंस यूज़ किया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है तो आप लोग ध्यान से याद रखिए कन्वेक्स लेंस क्या में यूज़ होता है इग्नाइटिंग और बर्निंग ड्राई लीव्स पेपर। तो नेक्स्ट आप लोग देखिए लेंस फॉर्मूला तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है 1/V माइनस 1/U इक्वल 1/F तो देखिए लेंस फॉर्मूला 1/ इमेज डिस्टेंस माइनस 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल 1/ फोकल लेंथ। तो लेंस और मिरर का फॉर्मूला में डिफरेंसेस क्या होता है ये प्लस और माइनस का डिफरेंस होता है ये प्लस होता है मिरर पे और ये माइनस होता है लेंस पे। तो आप लोग नेक्स्ट फिर देखिएगा मैग्नीफिकेशन वाला मैग्नीफिकेशन भी आपको पता होगा मैग्नीफिकेशन द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मैग्नीफिकेशन का मैं अभी फॉर्मूला जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला एम इक्वल वी बाई यू इक्वल एच डेस बाई एच तो ये फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन का है एम इक्वल वी बाई यू इक्वल एच डेस बाई एच। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 10 तो आप लोग देखिए एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन ऑफ फोकल लेंथ इज 27 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्ट एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर ऑफ फोकल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर
ऑफ लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर फाइंड द पोजिशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। तो आप लोग देखिएगा क्या क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो पहले मैं लिखता हूँ गिवन, तो फर्स्ट में बोला है लेंथ और वी कैन राइट हियर ऑब्जेक्ट हाइट, वी कैन राइट व्हाट ऑब्जेक्ट हाइट, लेंथ साइज लगभग सेम मीनिंग समझाता है। तो ऑब्जेक्ट हाइट एज इज गिवन 5 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज रिटन इन पॉजिटिव, रिमेंबर ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव में लिखते हैं। और ये जो 25 सेंटीमीटर इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 25 सेंटीमीटर इज व्हाट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इक्वल 25 सेंटीमीटर। बट ऑलवेज रिमेंबर ऑब्जेक्ट को हम लोग हमेशा नेगेटिव देते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस और मिरर। और उसके बाद दिया हुआ है फोकल लेंथ एफ। तो देखिए फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये कौन सा लेंस है, इट इज कन्वर्जिंग लेंस। सो कन्वर्जिंग लेंस मीन्स फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव में होगा। तो ये बात आप लोग ध्यान से देखिएगा, कन्वर्जिंग लेंस। तो मैंने जस्ट एक वीडियोस में बताया था कि कन्वर्जिंग लेंस जो होता है, कन्वर्जिंग लेंस का दो फोकस होता है F1, F2। तो दोनों में से कन्वर्जिंग का मतलब क्या है, रेस आफ्टर रिफ्रेक्शन पासिंग थ्रू F2। नाउ दिस इज द मेन फोकस, ये क्या होगा मेन फोकस होगा F2। और ये जो इसका फोकल लेंथ होगा OF2 मीन्स इट इज पॉजिटिव। कॉलम नॉलेज यूजिंग लेंस, अभी हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड द पोजिशन। तो मैं लिख लेता हूँ इमेज डिस्टेंस इट्स नॉट गिवेन, वी क्वेश्चन मार्क। उसके बाद साइज एंड नेचर मतलब ऑब्जेक्ट हाइट देख इसका इमेज हाइट इज दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग लिखेंगे अभी यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/V माइनस 1/U इक्वल 1/F। तो आप लोग देखिएगा, और क्योंकि हम लोग को V निकालना है कि नहीं, तो 1/V इक्वल 1/F प्लस 1/U। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब इसका जो वैल्यू होगा आप लोग उसको लगाएंगे, F का वैल्यू इज 10 1/10 प्लस यू का वैल्यू -25। तो देखिए आप लोग, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, तो बहुत तरीका है इसको सॉल्व करने का, कहीं कहीं HCF LCM लेते हैं, तो कहीं कहीं हम लोग कभी कभी उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो देखिए मैंने किस तरीके से मल्टीप्लाई किया, ये दोनों को पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, दो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया और एक दो डिनोमिनेटर एक दूसरे मतलब उसका न्यूमिनेटर का एक दूसरे का साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स 25 विल बी मल्टीप्लाइड हियर 25 माइनस 10। सो देखिए ये कंटिन्यू जा रहा है, 10 × 25 15, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10। तो देखिए फिर 3/50। तो मैंने क्या किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया, अब मैंने LCM नहीं लिया, मैंने क्या किया उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये पहले ये दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया और फिर इसको इसका साथ और इसको इसका साथ और बीच में जो साइन होता है वो ही लगा दिया।
25 वन जा 25, 10 वन जा 10, 25 माइनस 10 इज 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, सो क्या निकला? वन बाई वी इक्वल 3 बाई 50, देयर फोर वी इक्वल 50 बाई 3 सेंटीमीटर इक्वल, तो आप लोग देखिए 1 बाई वी तो 3 बाई 50, देन वी, अभी वी का रेसिप्रोकल लिया तो इसका भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा इसको, तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट 16.7 सेंटीमीटर, मतलब यू विल गेट समथिंग लाइक 16.666, इट विल गो ऑन, सो व्हाट आई विल राइट, फाइनली आई विल राइट 16.7, तो 16.7 लिखेंगे इसको। तो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, दस द पोजिशन ऑफ द इमेज इज 16.7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है, राइट ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर, तो 16.7 तो ये क्या होगा, प्लस में आ रहा है कि नहीं, पॉजिटिव मीन्स राइट साइड, राइट साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। एस डैश बाई एच इक्वल माइनस वी वाई यू, तो क्या होता है लेंस और मिरर में जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, जस्ट ए स्लाइट डिफरेंस, यहाँ पे माइनस होगा इन केस ऑफ मिरर, बट इन केस ऑफ लेंस इट विल नॉट बी माइनस। तो अभी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, तो एस डैश इज नॉट गिवेन, एच वैल्यू इज 5 सेंटीमीटर, लेट्स कंटिन्यू, वी वैल्यू, तो इसको मैं जस्ट वैल्यू पे लिखता हूँ, अभी बाद में इसको उसका यूनिट लिखता हूँ, वी मीन्स 16.7 और यू मीन्स माइनस 25, तो मैं सेंटीमीटर नहीं लिखा अभी इसको, तो 5 वन जो 5, 5 5 जो 25, इस तरीके से भी हम लोग इसको कट कर सकते हैं, नहीं तो ये 5 को इधर ला के क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 5 जो 25, एक ही बात होता है, दोनों साइड से मैंने क्या किया, 5 से कट किया, 5 वन जो 5, 5 5 जो 25, सो अभी मिलेगा 3.34 सेंटीमीटर, कैसे आप लोग इसको डिवाइड कीजिएगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 2.04, सो 3.34 सेंटीमीटर, और ये नेगेटिव में होगा, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है, अभी देखो एस डैश इज नेगेटिव, सिंस एस डैश इज नेगेटिव, therefore the nature of the image is real and inverted, kya hoga, real and inverted, why it is real and inverted, because s dash is negative, ye negative ka meaning real and inverted, to abhi dekhiye aap log compare kijiye uska height ko, h था 5 सेंटीमीटर, अभी एस डैश है 3.34 सेंटीमीटर, सो नो नीड टू सी इट्स साइन, ओके, ओनली उसका जो वैल्यू होता है वो देखिए, देखिए ये 5 ये 3, तो ये बड़ा है कि नहीं, तो इमेज छोटा होगा, एंड ऑल्सो द इमेज इज डिमिनाइज इन साइज, डिमिनाइज मीन्स वी कैन से स्मॉलर इन साइज, इन साइज, सो ऑब्जेक्ट से ये इमेज छोटा है, तो आप लोग इस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग को 3 मार्क्स मिल सकता है, तो इसका जो रे डायग्राम था वो अभी मैंने नहीं किया, तो रे डायग्राम आप लोग अभी आसानी से कर सकते हैं।